पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में घर मकान दुकान भूखंड का सपना देखने वालों के लिए आज का दिन बेहद ही खास रहा। दरअसल लगभग 14 वर्षों बाद मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने 4 नई योजनाओं का शुभारंभ कर दिया। 4 नई योजनाओं में समृद्धि बिहार योजना, विश्वकर्मा हॉट काशीराम योजना, अमृत कुंज योजना, गति शक्ति योजना है, जिसकी शुरुआत आज मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने MDA सभागार में बटन दबा कर की। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने आज करीब 14 साल बाद 4 नई आवास योजनाएं लॉन्च की है, जिसमें कुछ योजनाएं पूरी तरह आवासीय हैं और कुछ योजनाएं पूरी तरह से व्यावसायिक हैं। साथ ही हमने एक मिश्रित निचल योजना भी लॉन्च की है। इन सभी योजनाओं में कुल मिलाकर 300 प्लॉट आवासीय भवनों और 300 प्लॉट की कमर्शियल और आवासीय प्लॉट हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और कल से ही इन योजनाओं में ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराया जाएगा। तो जैसे हमने आज हस्तशिल्पियों के लिए किया, जो आगे आने वाली टाउनशिप होगी उसमें इस बात की व्यवस्था के साथ की शिक्षा, स्वास्थ्य, जो लोगों की डेली एक्टिविटीज़ हैं, पार्किंग, हर एक तरीके की सुविधा देते हुए हम टाउनशिप विकसित करें। जो अगर टाउनशिप हो रही है तो उसके आसपास सबको हर तरीके की सहूलियत मिल सके। उसमें शामिल है कि हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे यहाँ कई सारी फैक्ट्रीज हैं जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, हमारे यहाँ कई सारे तरीके के कमर्शियल एक्टिविटीज जिसमें लोग काम करते हैं और कई बार बाहर से आते हैं, तो वो यहाँ पर अगर मकान खरीद नहीं सकते तो हमें हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम उनके लिए ऐसी सुविधा दें जहाँ पर किराए पर रह सकें। सबसे रीजनेबल तरीके से अगर कोई ये काम कर सकता है तो वह है प्राधिकरण। मैंने प्राधिकरण के VC साहब से इस बात के लिए आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि इसके लिए भी एक रास्ता निकालें कि लोगों को हम ये जगह दे सकें। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए भी हम किराए पे उपलब्धता करा सके। एक और भी चीज़ है कि जब हम टाउनशिप विकसित कर रहे हैं तो उसमें काम करने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होगी, हो सकता है वो यहाँ से बाहर से आएं क्योंकि सारे लोग इसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएंगे, उनके लिए भी उसी के आसपास रहने की व्यवस्था की जाए जिससे कि कहीं से भी अवैध तरीके से कोई बसावट ना हो। इसका ध्यान रखना जरूरी है भविष्य के लिए। मैंने इसी के लिए VC साहब से कहा है कि इसके प्लान में इसको भी हम शामिल करेंगे। हाँ, दो तरीके की चीज़ है। एक तो मैंने ये स्पष्ट निर्देश दिया हो कि किसी को भी, जैसे लोगों की शिकायत आती है कि प्राधिकरण के कर्मी उनको परेशान कर रहा है, बहुत स्पष्ट है किसी भी तरीके की वसूली, किसी भी तरीके के अवैध कार्य में अगर कोई अधिकारी लिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लोगों को इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर उनको नोटिस मिल रही है तो उसका पहले तो बेहतर जवाब दें, सही जवाब दें, और उस जवाब के बाद अगर उन्होंने कहीं कोई गलत नहीं किया है तो कोई भी एक्शन होने की का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो किसी भी अधिकारी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। समस्या ये है कि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई भी निर्माण कर रहे हैं तो वो नक्शे पास करा के करें। अब अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हमारे लिए जो अनुशासित विकास की मैंने बात की वो हो जाती है। अब दूसरा जो पहलू ये है कि हम जब नई तरफ बढ़ रहे हैं तो जो पुराना शहर है उसमें पिछले साल ही ये हुआ था कि 100 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियाँ भी हैं। शहर के में जब आप देखेंगे बारिश के समय पानी जमा हो जाता है, बड़ी मुश्किल होती है और पानी के निकलने में, हालांकि अभी हमने काफ़ी ऐसे कदम उठाए जिससे इस बार उतनी समस्या नहीं हुई, लेकिन होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो विकास है वो अनुशासित नहीं होता। प्राइवेट डेवलपर्स अक्सर गलत तरीके से चीज़ों को करके बिना निकासी की व्यवस्था किया, बिना सड़क की व्यवस्था किए निकल जाते हैं। अब उन सब को बेहतर करने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन वो तभी संभव है जब नई तरफ, नए विकास की तरफ, नए एरिया में हम विकास करें, लोगों को जाने के लिए जगह दें और फिर जो पुरानी कॉलोनीज है उसमें जो ज़रूरी जो सुधार है वो हम कर सकें, तभी उसको हम अपने नियमों के आलोक में वैध कॉलोनी कर सकेंगे। वैध कॉलोनी और अवैध कॉलोनी का एक ही मतलब है, इसको समझना पड़ेगा कि जो वहाँ पर रहने वाले हैं उनको हर तरीके की सुविधा, कोई तकलीफ ना हो, जैसे पानी जल निकासी की कोई समस्या ना हो, उनके लिए जो सड़क है उसकी कोई समस्या ना हो, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए प्राधिकरण को तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा है अवैध कॉलोनियों को हम बेहतर करने का प्रयास करें। देखिए, जो 11 गाँव के किसानों के लिए प्राधिकरण ने किया उसमें समस्या कोई नहीं है, केवल उसमें लोगों को कन्फ्यूज करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके लिए प्राधिकरण निरंतर प्रयास कर रहा है। देखिए, पहली बात यह कि प्राधिकरण भी लोगों से संपत्ति खरीदेगा, अब इस बात की तो कोई संभावना नहीं है कि प्राधिकरण से बेहतर कोई दाम देगा।
या फिर प्राधिकरण से बेहतर दाम में कोई किसी को भूखंड या फ्लैट देगा। प्राइवेट बिल्डर भी हमारे अभिन्न अंग हैं, हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स भी उसमें शामिल हों, क्योंकि अकेले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण विकास नहीं कर सकता। हम जो प्राइवेट बिल्डर्स को जो सहूलियतें दे सकते हैं दे रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर्स क्या करते हैं, लोगों को और ज़्यादा सहूलियतें देते हैं, अट्रैक्टिव प्लान्स देते हैं। लेकिन अगर जहां तक कीमत की बात होगी, न तो किसानों को प्राधिकरण से बेहतर कोई कीमत दे सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि बिल्डर ज़्यादा दाम दे दे और उसको कम में बेचे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जो जितने, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर का उद्देश्य अपने मुनाफे को भी कमाना होता है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण या विकास प्राधिकरण जितने भी हैं, उनका मैंडेट जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि लोगों को कोई फायदा नहीं लेता, वो जितनी उसकी लागत है वो वापस आ जानी चाहिए। इसी पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण काम करता है। मैं आश्वस्त करता हूँ, एक तो ये कि सहमति के आधार पर ही किसानों से जमीन खरीदी जाएगी और अवैध कॉलोनियों को उन जगहों पर विकसित नहीं होने देंगे। इसके लिए सख्त कार्य कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को परेशान भी नहीं किया जाएगा। जमीन हम किसानों से सहमति के आधार पर खरीदेंगे और उस एरिया की तरफ विकास करेंगे, और अब किसान भी सहमत होने लगे हैं, लोगों से बातचीत की जा रही है। जब एक बार रेट डिक्लेयर हो जाएगा प्राधिकरण का, तो मुझे उम्मीद है कि सारे किसान इस पर आगे आ जाएंगे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।